नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कई बार होता है कि आपका ये जो बटन देख रहे हैं वाईफाई का, ये जो है सो बेसिकली डिसअपियर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, तो इसका क्या रीज़न है और इसको फिक्स कैसे करना है? तो इसका कई सारा रीज़न हो सकता है इसके डिसअपियर होने का, लेकिन आपके केस में अगर ये काम नहीं कर रहा है, बेसिकली ये लोगो ही गायब हो गया है या फिर कुछ भी हो रहा है, समझ गए इससे रिलेटेड, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे? तो इसको फिक्स करने के लिए आपको पहले जाना है स्टार्ट बटन में, और उसके बाद क्या कहते हैं दिस पीसी जो है, जैसे देख सकते हैं मेरे में दिस पीसी है। अगर आप पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे दिस पीसी होगा, इधर तो नहीं है, सर्च कीजिएगा दिस पीसी, आ गया तो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, मैनेज पे, और उसके बाद दिस पीसी का मैनेजर खुल जाएगा, खुलने दीजिए, खुल जा सिमसिम एडिंग स्नैप इन, क्या आ रहा है, चलो खुल गया। तो बेसिकली उसके बाद करना ये है कि आपको यहाँ पे जाना है डिवाइस मैनेजर में, और डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद इसमें जाना है नेटवर्क एडेप्टर सॉफ्टवेयर नेटवर्क, इसी में है क्या वाईफाई, हाँ इसी में है। तो इसमें से जैसे कि मेरा देखिए क्वालकॉम का QCA9377 वायरलेस एडेप्टर वाईफाई का, आप में दूसरा हो सकता है, और ये रियलटेक PCI जो है सो ये बेसिकली लाइन कंट्रोलर है, और ये सब वैन है, मिनी पोर्ट जो भी है, नेटवर्क मॉनिटर सब। तो बेसिकली आपका वाईफाई का प्रॉब्लम है तो इसको क्लिक करना है, उसके बाद डिटेल में जाना है, इसमें तो नहीं है, ड्राइवर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे या तो अपडेट ड्राइवर करके अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा, तो सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके इसको अपडेट कर दीजिएगा, मे बी आपका फिक्स हो, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद आप अनइंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद ये डिलीट द ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑफ दिस डिवाइस पे क्लिक नहीं कीजिएगा, इससे ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी डिलीट हो जाएगा, इस पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको करना ये है कि अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करने के बाद शिफ्ट जो है सो दबाए रखिए, शिफ्ट दबा के रीस्टार्ट करना, ठीक है, उसके बाद जब रीस्टार्ट कीजिएगा तो ये वाला जो है सो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपका इस सिचुएशन मतलब ऐसे भी फिक्स नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे ही फिक्स नहीं हुआ तो क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टाइप करना है, तो यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना, इसको ओपन कर लेना, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, सॉरी जनरल में जाना है, और सेलेक्टिव स्टार्टअप को हटा के इसमें नॉर्मल स्टार्टअप पे क्लिक कर देना, ठीक है, नॉर्मल स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, तो सेकंड केस में भी आ सकता है, ठीक है। और तीसरा जो चीज़ हो सकता है, वैसे हम इसको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि जो हम लास्ट में बताए थे उसको अनइंस्टॉल कर देने वाला, वो लास्ट ऑप्शन होता है वैसे, लेकिन फिर भी अब ये भी बता ही देते हैं। बेसिकली आपको नेटवर्क में जाना है, मतलब कंट्रोल पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल ओपन करना है, उसके बाद कैटेगरी में रखना है, उसके बाद यहाँ पर व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल सूट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके आप बेसिकली ट्रैवल सूट कर सकते हैं कि आपके डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है नेटवर्क से संबंधित। मेरे पास तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है सो बेसिकली सेलेक्ट करना है किसका प्रॉब्लम है, तो इनकमिंग कनेक्शन वाईफाई ब्लूटूथ किसका प्रॉब्लम है, तो इंटरनेट कनेक्शन का है तो इंटरनेट कनेक्शन पर क्लिक करके रन ट्रैवल सूट कर देंगे। प्लेइंग ऑडियो का करना है तो उसका भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये बता दें कि ट्रबल शूट करना हमेशा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हमेशा ये फाइंड नहीं कर पाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या। तो लास्ट ऑप्शन जो बताएं वही सबसे बेस्ट है, और वही करके देखिएगा आपका जो है सो जरूर काम बन जाएगा। तो अगर आपका काम बन गया है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। तो
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।